राजस्थान के बारा के अटरू मुख्यालय पर वाहन चोर सदस्य ने अटरू बस स्टैंड पर वहां खड़ी बुलेरो को झांसा देकर कोटा से ले उड़े। आपको बता दें कि बीते शुक्रवार 26 मई को दोपहर को एक व्यक्ति ने कोटा जाने के लिए चंद्रप्रकाश सुमन की बुलेरो 3500 रुपए में बुक की, जिसमें डीजल के पैसे कोटा ही दिलाने की बात कहकर गाड़ी को कोटा जंक्शन तक ले गए। वहां आरोपी चोर ने गाड़ी मालिक चंद्रप्रकाश से अपनी बाइक कोटा बस स्टैंड पर खड़ी होने की बात बताकर उसे बाइक लाने भेजा। जब वो लौटकर वापस आया तो उसकी बुलेरो गायब मिली। जब उसने तलाश किया तो 2 घंटे तक गाड़ी का कोई सुराग नहीं लगा। तब उसने भीमगंज मंडी थाने की मदद लेकर गाड़ी की तलाशी करवाई तो पता चला कि आरोपी चोर बुलेरो की नंबर प्लेट खुलवा कर गया है, जिस पर पुलिस ने कोटा से चित्तौड़ मार्ग पर गाड़ी को भगा ले जाते हुए दबोचा है। वहीं आरोपी चोर ने जिस बाइक को अपनी होना बताया था वो बाइक भी नीमच मध्य प्रदेश से चोरी की गई थी। भीमगंज मंडी पुलिस ने उक्त 2 चोरों को गिरफ्तार कर बुलेरो बरामद कर ली है। आरोपी चोर ने अपना नाम सलीम बताया है, जिससे अन्य चोरियां अबत पूछताछ जारी है। कोई अनजान व्यक्ति बस स्टैंड पर बैठा हुआ था, मैं आया गाड़ी किराया करने के, उसने मेरे से बताया कि मैं यहाँ चंदू कोटा जाना चाहता हूँ, रेलवे का ठेकेदार हूँ, कंप्यूटर लेके आने हैं 5-5 लाख रुपए के कंप्यूटर हैं, जो टिकट ऑनलाइन होएंगे ना वो घर पे से मोबाइल से टिकट कट जाएंगे आपको, ये बतला के और मेरे से कोटा के लिए गाड़ी बुक कर ली उसने। उन्होंने पूछा पेमेंट कितने लोगे, मैंने कहा सर मैंने कहा 3500 रुपये, डन होगी बात हो गई सारा काम, ऐस कर लिया उसने, ऐस कर लिया गाड़ी में बिठा लिया, रवाना हो गया पेट्रोल पंप से कोटा पहुँच, डीजल डलाने के लिए कहा कि मेरे पास पैसे नहीं है, तो फिर मैंने सलाम भाई वहाँ पे हमारे ड्राइवर एक भाई वो था सलाम भाई, उनसे 1000 रुपये उधार लेके मैंने डीजल डला के और रवाना हो गया। उसने मेरे से बताया कि कोटा आपको पूरा पेमेंट दिला दूँगा, जल्दी नहीं थोड़ा मेरे को वापस अटरू पहुँचना है 5 बजे तक, रवाना हो गया भाई ठीक है, उधार ले लिया ड्राइवर से पैसे लेके चले गए, मेरे 500 रुपये थे, हार्ड होती पेट्रोल पंप पे डीजल डला के कोटा के लिए रवाना हो गया, आराम से चले गए, कोई बात नहीं कोई टेंशन। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।